रुक क्यों गए प्रभु? आपके वार को आशीर्वाद समझकर मैं उसका सामना करूंगा, किंतु प्राण रहते मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझ पर कीजिए वार। यही हट है तुम्हारा तो मेरा वार नहीं रुकेगा। अस्त्र न शिव पे उठाए को ठाना, चुप रहे वार सहे हनुमाना। देखि दशा सोई संकट मोचन, आहत चेत्रा विवश त्रिलोचन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव के प्रहार का ना तो उत्तर दे रहे हैं और ना ही प्रतिरोध कर रहे हैं, फिर भी महादेव निरंतर वार किए ही जा रहे हैं। मैं राम सेना का सेनापति शत्रुघ्न ये और नहीं होने दूंगा। तुम समझ गए हो कि युद्ध के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। उचित है, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। विवश हो गए हैं हनुमान युद्ध करने के लिए। ये हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? प्रभु अब आप प्रहार कीजिए, अब आपके प्रहार से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पर्वत शिलाएं उस प्रभाव को रोक लेंगी। तुम अब भी वार का उत्तर नहीं दोगे? प्रभु सूर्य को दीपक से नहीं जलाया जा सकता, कुछ बूंदें सागर में बाढ़ नहीं ला सकती। आप एक विशाल वृक्ष हैं, तो मैं एक तृण मात्र हूं। एक तृण वृक्ष का क्या अहित कर सकता है? उचित है, पराजय स्वीकार कर लो और समाप्त करो युद्ध को। मेरी पराजय मेरे प्रभु की पराजय होगी। प्रभु भक्ति मुझे ऐसा नहीं करने देगी। तो अब इस युद्ध को मैं ही समाप्त करता हूं। महादेव अपने त्रिशूल में महाशक्ति का आह्वान कर रहे हैं, प्राण घातक हो सकती है। संसार के संकट मोचन महासंकट, कहीं हनुमान के प्राण। हनुमान जी का कोई अहित नहीं होना चाहिए। कुछ कीजिए रघुनंदन। महादेव अपने त्रिशूल में त्रिलोक की शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। निर्दोष निरापराध हनुमान इसके भीषण प्रहार को नहीं सह पाएंगे। जितनी विवश आप हैं, उतना ही परवश मैं हूं। दोनों ही मेरे प्रिय हैं। एक मेरा हृदय है तो दूसरे मेरी आत्मा। जिन हनुमान जी ने इंद्रादि देवताओं के संकट हरे, ग्रहों के अधिपतियों को मुक्त कराया, अनेक बार सृष्टि की रक्षा की, आज वो हनुमान जी संकट में हैं। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, मात्र महादेव की अपार शक्ति के भय से। किंतु ये जानते हुए भी कि महादेव को रोकना असंभव है, फिर भी मैं हनुमान जी को बचाने का प्रयास अवश्य करूंगा। प्रकृति में विचलन, आकाश में उठते मेघों के बवंडर, ये तो ब्रह्मास्त्र के आह्वान के संकेत हैं।
शत्रुघ्न भैया ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहे हैं। शत्रुघ्न भैया, ये आपने क्या किया? आपको ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र? वो भी महादेव के विरुद्ध? एक महाशक्ति के विरुद्ध दूसरी महाशक्ति? विनाश और मात्र विनाश ही होना था इस युद्ध का परिणाम, और ये विनाश देखते रहेंगे हम सब मूक दर्शक बने। शत्रुघ्न भैया, आप ऐसा मत कीजिए। आप ब्रह्मास्त्र को रोक लीजिए। ब्रह्मास्त्र से मात्र भीषण विनाश ही होगा भैया। मिट जाएगा ये संसार। होने दीजिए विनाश, मिट जाने दीजिए संसार को। ऐसे संसार का क्या अर्थ है जहां आप जैसे भक्त शिरोमणि के अंत के लिए एक अन्य भक्त हट किए हुए हैं। एक भगवान अपने निरपराध पुत्र के, एक गुरुदेव अपने निर्दोष शिष्य के प्राण लेने के लिए तत्पर है। ऐसे संसार का मिट जाना ही उचित है। शत्रुघ्न भैया, आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे आप, जिसकी भरपाई कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। आप मेरी विनती सुनिए भैया, आप ब्रह्मास्त्र मत चलाइए। जैसे भगवान शिव को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार शत्रुघ्न को भी नहीं रोका जा सकता। क्षमा महादेव, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है इस युद्ध को रोकने के लिए। ब्रह्मास्त्र रूपी महासंकट का सामना कैसे करेंगे संकट मोचन हनुमान? प्रभु रक्षा कीजिए हनुमान जी की। ब्रह्मास्त्र है ये, घातक आघात करके ही रहेगा। कैसी व्यवस्था है, ब्रह्मास्त्र होने पर भी मैं इसे रोक नहीं सकता। अपनी देह पर सहूंगा ब्रह्मास्त्र का प्रहार, भोले बाबा का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा इसे। प्रभु ये कैसी परीक्षा है हनुमान की। महादेव के प्रहारों को सहन करने वाला हनुमान अब महादेव पर किए गए वार को अपने ऊपर लेने के लिए प्रस्तुत हो गया है। भोले बाबा मुझे हटाकर अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ब्रह्मास्त्र का भीषण प्रहार?
प्रभु। अपने मुख में धारण कर हनुमान ने महादेव के पाशुपतास्त्र के शक्ति को भी शांत कर दिया, किंतु इस ब्रह्मास्त्र को ही प्रभु ने अपने भीतर ले लिया। हलाहल को अपने कंठ में समाने वाले नीलकंठ महादेव इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भी संभाल सकेंगे, जिसका महाविनाशक महाविस्फोट किसी विक्षण होने वाला है। अद्भुत, प्रभु महादेव ने नटराज रूप धारण कर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी सह लिया। जय जय महादेव, जय जय शिव शंकर, जय जय नटराज। ब्रह्मास्त्र के कारण महादेव का क्रोध प्रकाष्ठा पर पहुंच गया, उनका तृतीय नेत्र खुलने वाला है। महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो महाविनाश होगा, फिर ना ये यज्ञ रहेगा और ना ही ये जग। ये तो प्रलय हो जाएगी, सर्वत्र विनाश हो जाएगा, कोई भी शेष नहीं रहेगा। किंतु मैं प्रभु के प्रकोप को कैसे शांत करूं? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया मैंने। अब तो संसार की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, किसी भी प्रकार से महादेव की क्रोधाग्नि शांत हो। शांत हो जाइए, आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो असमय प्रलय हो जाएगी। निर्दोष निर्बल मनुष्य और जीव जंतुओं का संहार हो जाएगा। भोले बाबा, आप ही अनर्थ मत होने दीजिए, शांत हो जाइए भोले बाबा। क्षमा दया निधान, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, आपका दोषी मैं हूं, मैं ही हूं जिसने आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने का दुस्साहस किया है, उसका दंड दीजिए मुझे, विलग कर दीजिए मेरी देह से मेरे प्राण। अग्नि में भस्म कर दीजिए मुझे, किंतु इस सृष्टि को विनाश के मुख पर मत डालिए, मत डालिए प्रभु, मत डालिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हे महादेव, हे परमात्मा, दया कीजिए। Thank you.
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव को धारि बुझाने लाई रणभूमि आए रघुराई। शंकर की जा राम पे निष्ठा आए स्वयं सोई शिव इष्टा। कंठ मधुर हे स्तुति रामा शिव चरणों मह की परनामा। जो देखी सो अचरज लाई भाव विहल भावुक कपिराई। सियाराम सियाराम जय हनुमान। शांत भये तब शंभु त्रिलोचन तार दिए संकट रघुनंदन। जय जय राघव जय हो महेशा जय दो के प्रिय कपीशा। सियाराम सियाराम जय हनुमान। प्रभु श्री राम, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। धन्य तो मैं हुआ हूँ आपके दर्शन पाकर। हे प्रभु, हे परमात्मा, देवों के देव महादेव। रघुवंश राम को देखकर महादेव का क्रोध शांत कैसे हो गया? कुछ भी हो, मेरी रक्षा का वरदान दिया है उन्होंने, वो तो उन्हें पूर्ण करना ही होगा। प्रभु, महादेव के हृदय में उनके इष्ट प्रभु श्री राम का वास है, इसलिए उनके हृदय में धधकती क्रोधाग्नि को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। आपका आदेश हो तो मैं अभी ये युद्ध रोकता हूँ मेरे प्रभु, मेरे इष्ट। नहीं नहीं प्रभु, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये युद्ध रुक नहीं सकता प्रभु, नहीं रुक सकता। आपके इष्ट का आगमन हुआ तो आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? भक्त से अधिक महत्व देंगे अपने इष्ट को? तो प्रभु, मेरी ये भक्ति निष्फल हो गई, व्यर्थ हो गई मेरी भक्ति प्रभु। आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं हुई महाराज वीरमणि, मैं तो आपके ही साथ था, अब भी हूं। कहिए अब क्या चाहते हैं आप, कहिए अब क्या चाहते हैं आप। प्रभु, आपके समक्ष खड़े रघुवंशी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व का अंत कर दीजिए। अश्व के अंत के साथ साथ अंत होगा इनका अश्वमेध यज्ञ। तब ये युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा प्रभु। अवश्य करूंगा, किंतु तब जब आप मुझे दिखाएंगे कि रघुनंदन श्री राम है कहां।
जिनके अश्वमेध यज्ञ की अश्व की बात कर रहे हैं आप? ये तो स्वयं महादेव हैं, किंतु प्रभु महादेव तो वहां थे। ये क्या कोई दृष्टि दोष है मेरा? प्रभु महादेव को उस रघुवंशी और उस वानर से पृथक नहीं कर पा रहा हूं। ये कैसे संभव है? अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान, उनमें शिव भी हैं और राम भी। शिव शंकर अरु श्री रघुराई, दो कांश हनुमत भाई। त्रिशूल डमरू गदा और धनुषा, सबके धारक वीर कपीशा। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप कहिए अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? जब तक व्यक्ति स्वयं को अहंकार के आवरण में ढककर रखता है, तब तक सत्य उसके समक्ष नहीं आता। इसलिए अहंकार को तजकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए।